है वो हमारे यहाँ आता है, सर प्रोडक्ट आपके बड़े महंगे हैं, है ना? लोग बोल देते हैं सर प्रोडक्ट आपके बड़े महंगे, सेम जवाब देना है मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही बात है सर। और ये बात मैं भी बोलता हूँ, केसली पीएस वेलनेस के प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, क्योंकि मार्केट में जब हम कंपेरिजन करके देखते हैं तो यही प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट जो हमें 2000 में मिलता है मार्केट में 200-250 में मिलता है। तो ये सर बात लाजमी है। और जब मैंने पहली बार देखा था इस कॉन्सेप्ट को तो मुझे भी यही लगा था यार प्रोडक्ट हमारे बड़े महंगे। लेकिन सर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको पता है इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा कब होता है? सर इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा होता है पहली सेल में। अगर आपने किसी को 100 रुपए का आइटम दिया सस्ता है, लेकिन आपने बोला वो ये 3 काम करेगा और उसने कोई काम नहीं किया, अब सस्ता हुआ महंगा हुआ? महंगा हो गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं बोलता हूं आपने किसी को 50,000 का आइटम चिपकाया और आपने बोला कि जी ये 3 काम करेगा और उसने ये 3 काम तो किए ही किए, 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट और लाइफ में जोड़ दिया, अब सस्ता हुआ महंगा हुआ? सर आपने खुद बोल दिया 100 रुपए के प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो वो हो जाता है महंगा, और 50,000 के प्रोडक्ट ने काम कर दिया तो वो हो जाता है सस्ता। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आपको ये लगता होगा यही प्रोडक्ट की सेम इंग्रेडिएंट जब आप बाहर मार्केट में किसी को देखते हैं तो 200-250-400-500 में दिखा जाता है और हमारे यहां सर मिलता है 2000 में। ऐसा क्यों है? मैं बताता हूं सर, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आयुर्वेद के अंदर है, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस आयुर्वेद का है। लेकिन एक और बात साथ में ऐड करना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला अगर कहीं होता है तो आयुर्वेद में होता है, क्योंकि आयुर्वेद बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, उनकी रेट अलग अलग होती है। जैसे एक शिलाजीत है, एक शिलाजीत 500 रुपए का भी मिलता है, एक शिलाजीत 2500 का भी मिलता है और एक शिलाजीत 4500 का भी मिलता है। अब 3 कंपनी ए बी सी लिख के बताना है, एक ने 500 वाला शिलाजीत लिया, दूसरे ने 2500 वाला, तीसरे ने 4500 वाला। अब आप मुझे बताइए रिजल्ट अच्छा किसका होगा, 4500 वाला का? बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप मुझे बताइए जो इंसान 4500 का शिलाजीत डालेगा क्या वो प्रोडक्ट सस्ता देगा महंगा देगा? प्रॉब्लम ये है कि जब लैब में टेस्टिंग के लिए जाता है तो दुनिया की कोई ऐसी लैब नहीं बन सकती, लैब ये तो बताता है इसमें शिलाजीत डाला हुआ है, लेकिन आज तक कोई ऐसी लैब नहीं बनी इस दुनिया के अंदर जो ये बता दे इसमें 4500 वाला शिलाजीत है या 500 वाला शिलाजीत। अब ये चीज डिपेंड करती है रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट कैसा है, और रिजल्ट डिपेंड करता है डालने वाले नियत के ऊपर। अगर आपको समझना है हमारा रिजल्ट, आज असली पीएस वेलनेस के रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सर बच्चे ना होने पर हमारा कितना शानदार रिजल्ट है, ये देखिए सर डायबिटीज का कितना शानदार रिजल्ट है, ये देखिए सर एग्रीकल्चर का कितना रिजल्ट का वीडियो दिखाओ। सर आज हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है हमारे सारे प्रोडक्ट, और ये सर डिपेंड करता है डालने वाले की नियत पे। सर ये प्रोडक्ट जो आज आपको लिक्विड प्रोफाइल में दिया जा रहा है, यही प्रोडक्ट अगर इसलिए पीएस वेलनेस चूरन में बनाती तो हम भी ये प्रोडक्ट 200-250 में आपको दे सकते थे, लेकिन चूरन खाने से असर नहीं होता। लिक्विड चीजें बॉडी पे जल्दी असर करती है, सॉलिड चीजें देर से असर करती है। लोग आयुर्वेद छोड़ क्यों रहे थे? क्योंकि चूरन मिलता था, खा के असर करने में टाइम लगता था, इसलिए हमारी संस्था ने लिक्विड प्रोफाइल बनाया। और अगर लिक्विड प्रोफाइल बनाया है तो R&D टीम के खर्चे इसमें लग जाते हैं, लिक्विड प्रोफाइल जल्दी खत्म होता है, एक्सपायरी डेट छोटा होता है, तो काफी प्रोडक्ट वेस्टेज भी होते हैं। लिक्विड प्रोफाइल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा खर्चा होता है, कई बार डब्बे बीच में फट जाते हैं और वो सारा जो खर्च है वो हमारी कंपनी हमारी संस्था को बियर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये सारे खर्चे बियर करने के बाद भी हमारी संस्था ने लिक्विड प्रोफाइल बनाना नहीं छोड़ा, ओरिजिनल आइटम डालना नहीं छोड़ा, क्योंकि नियत रिजल्ट देने की थी। टाई कोट लगा के ना हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोलता है, टाई कोट लगा के हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोलता है, तो भाई साहब आपको लग रहा होगा कि ये भी अपने प्रोडक्ट की बखान कर रहे हैं। मैं प्रोडक्ट की बखान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं। आज आप बाहर का जो प्रोडक्ट आप 250 का बोलते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप जाके 10 बोतल खा लेना रिजल्ट नहीं आएगा, और हमारा 1200 का एक बोतल खा लेना रिजल्ट आ जाएगा। सर 250 का 10 बोतल 2500 रुपये खर्च हुआ, 1200 का एक बोतल 1200 रुपये खर्च हुआ, बताओ सस्ता हुआ महंगा हुआ? सस्ता हुआ महंगा हुआ। लेकिन फिर भी मुझे पता है आप अभी भी बोलोगे महंगा है, पता है क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। एक डॉक्टर के पास जाते हो नब्ज पकड़ने से पहले 1200 रुपये बाहर जमा करके आ जाते हो। डॉक्टर बोलता है जी 5000 रुपये लगेंगे जांच कराने के, ओरिजिनल उसका दाम 500 का है, लेकिन आपसे 5000 रुपये लेता है, साइन करके 5000 रुपये दे के आ जाती हो। आज तक 100% रिजल्ट आया कहीं से? कहीं नहीं आया। लेकिन आप मेरे से सर गारंटी मांगोगे, आप मेरे से रिजल्ट पूछोगे, आप मेरे से सस्ता या महंगा पूछोगे? सर माफ़ करना, आपके घर में अगर किसी की तबीयत खराब होती है आप पहले जान बचाओगे या पैसा देखोगे? जान बचाओगे पैसा देखोगे? तो मेरे दोस्त अगर आप इतने अपने से मोहब्बत करते हो और जान बचाने की नीयत है ना, तो प्राइस मत देखो मेरे दोस्त,
प्रोडक्ट की रिजल्ट देखो। आज लाखों लोगों को रिजल्ट आए हैं, आपके घर भी रिजल्ट आया। प्रोडक्ट महंगा है इसलिए बैठ के आधा घंटा से आपको समझा रहा हूँ, सस्ता होता तो पैसा लूट के आपको चिपका के निकल गया होता। महंगे हैं सर प्रोडक्ट, लेकिन रिजल्ट शानदार देते हैं। बताओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो बधाई हो, सीनेटी लगाई, निकालिए पैसे, लीजिए प्रोडक्ट, खाइए और रिजल्ट लीजिए।